जी, पूछा था कोमल से, मर मर कर 10 जमातें पास की हैं बहू रानी ने। और की होंगी अपने उसी गांव के किसी बिना छत दीवार के स्कूल से, और चली हम मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा दें। और भाभी बेगम को देखें, ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उनकी लायक फायक बहू रानी कहीं गवर्नरी करने चली हो। कुछ सुन भी रहे हैं मैं कह क्या रही हूं? रिजवाना, अभी जो होला बकवास कर रहा था, मेरा मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके यहाँ औलाद हो जाए? होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसके दिमाग में खलल है कोमल के अब्बा, खुदा ही भली जाने। कैसे हो सकता है? उसे किसी बात का होश नहीं है, बावला है। उसे इस बात का क्या शौर? जानवरों को शऊर और होश होता है क्या? बच्चे तो वो भी जन लेते हैं। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। आप ही मुझे मोटी अकल की औरत कहते हैं, वरना मैं तो बहुत आगे की सोच रही हूँ। ये भी कि अगर भोले के बच्चे उसी के जैसे दीवाने हुए तो भाभी बेगम तो ये बात सोच ही नहीं रही है, तो ये सोच सोच के खुश हुए चले जा रही हैं, ख्वाब पे ख्वाब बुने चले जा रही हैं। भाई मुझे नहीं पता, बस अब आप अपना बिजनेस सेट करके मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे नहीं अभी इस पागल खाने में रहना, तंग आ गई हूँ मैं। एक संभाला नहीं जाता, कैसे उसकी दीवानी औलादे भी ना। भाई मुझसे नहीं होता ये सब कुछ।